डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने हमारा पिछला वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें हमने अपडेटेड सिलेबस की आपको जानकारी दी। नाउ ऑब्वियसली उस लेक्चर के बाद कांस्टेंट बच्चों का क्वेश्चंस आ रहे थे, कांस्टेंट क्वेश्चंस आ रहे थे स्टूडेंट्स कि सर फिर इतना सारा सिलेबस अगर निकल गया है तो हमारा पेपर क्या होगा, हमारे पेपर पैटर्न में क्या बदलाव होंगे, कई सारे क्वेश्चंस। तो मैंने एक सैंपल पेपर और पेपर पैटर्न, ये दो चीजें आप लोगों के लिए तैयार की हैं। आई कैन अश्योर यू दैट इट इज 95% एक्यूरेट। अब आप सोच रहे होंगे सर 95% एक्यूरेट क्यों, क्योंकि एक टॉपिक ऐसा है बेटा जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं कि यहाँ पे क्या होगा। 5 मार्क का एक टॉपिक है जिसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी कम है बोर्ड की तरफ से, बाकी ऑलमोस्ट अगर आप If you read between the lines, जो उन्होंने सिलेबस का रिडक्शन किया है उससे हमें पता चल जाता है कि पेपर पैटर्न मार्किंग स्कीम क्या रहेगी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन वाइज कुछ चेंजेस होंगे क्योंकि कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए, तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा सारी जानकारी आज के इस लेक्चर में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस लेक्चर को अंत तक देखें ताकि आपको पूरा आइडिया मिल सके। ठीक है बेटा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए समय गवाए बगैर शुरू करते हैं हमारा आज का वर्क। यह मैंने डिजाइन किया है पेपर पैटर्न, ऑलमोस्ट इसी के आसपास हमारा बोर्ड का पेपर रहना चाहिए। सेक्शन ए में आप देख सकते हैं आपको एक पैसेज कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा। हमने पेपर स्कीम में दो तरह के कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं। अब एक कॉम्प्रिहेंशन जो अनसीन पैसेज होता है जो राइटिंग स्किल्स में वो रिमूव हो गया, लेकिन सीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन अभी भी है। तो पहला सीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन होगा सेक्शन ए में 4 मार्क का। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे वोकैबुलरी के, वो भी टेक्सुअली होंगे 4 मार्क के, और टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर्स प्रोज के 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच 12 मार्क। ये जो क्वेश्चन यहां पर आप देख रहे हैं ये 3 मार्क्स ईच है, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 मार्क का एक, टोटल 12 मार्क। उसके बाद हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में टेक्स्टुअल पोएट्री कॉम्प्रिहेंशन होगा 2 मार्क का, फिगर्स ऑफ स्पीच होंगे 3 मार्क के। इसमें मैं बता दूं ये एमसीक्यू पैटर्न पे है फिगर ऑफ स्पीच। आपको एक पैरा मिलेगी फॉर्म की और उसके नीचे आपको ऑप्शंस प्रोवाइड होंगे, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। मैंने सैंपल पेपर इसी वीडियो में अटैच किया है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सैंपल पेपर देखेगा। उसके बाद है पोएट्री के क्वेश्चन आंसर, ये 3 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क। आई रिपीट, पोएट्री के क्वेश्चन आंसर 2 मार्क्स ईच होते हैं, तो 2 मार्क के 3 क्वेश्चन। उसके बाद सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर होंगे जो 3 मार्क का क्वेश्चन है और टोटल 3 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका सेक्शन बी भी खत्म हो जाएगा। पुराने पैटर्न से इस पैटर्न में सेक्शन ए और सेक्शन बी में कोई बदलाव नहीं, एज इट इज। बदलाव आता है कहां, सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपको क्या बदलाव मिलेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आएगा 4 मार्क का, ईडियम्स 3 मार्क के बजाय इस बार 4 मार्क के पूछे जाएंगे क्योंकि पंचुएट द पैराग्राफ वाला जो टॉपिक था 2 मार्क्स का वो यहां से रिमूव हुआ है। ओके, तो ईडियम्स का वेटेज 3 मार्क से बढ़ाकर 4 मार्क का कर दिया जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच 4 मार्क का ही रहेगा, और डू एज डायरेक्टेड या जैसे रीराइट एज डायरेक्टेड भी कहा जाता है वो 7 मार्क से बढ़ाकर 8 मार्क का कर दिया जाएगा। तो पंचुएट द पैसेज के 2 मार्क्स किस तरह से एडजस्ट होते हैं, एक idiom बढ़ा दिया जाता है और एक सेंटेंस डू एज डायरेक्टेड में बढ़ा दिया जाता है। इस तरह से आपका वो 12 मार्क का, सॉरी 2 मार्क का पूरा एडजस्टमेंट हो जाता है और सेक्शन सी आपका खत्म होता है। अब आते हैं हम सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी से 2 वाइटल टॉपिक्स हटा दिए गए जो कि कंपल्सरी टॉपिक्स हुआ करते हैं। एक था अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा जो हटा दिया गया पैराफ्रेजिंग द पोएम। अब उनकी जगह कौन लेगा, तो जो सबसे पहले आएगा डेटा एनालिसिस। आप अगर ध्यान से देखें तो यहां पे सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन होगा डेटा एनालिसिस। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं या जिसको हाईलाइट कर रहा हूं पैराग्राफ राइट, ये वो क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे मैंने कहा कि 95 मार्क्स का तो मैं 100% एश्योरेंस दे सकता हूँ आपको, लेकिन ये 5 मार्क के टॉपिक में क्या आएगा आई डोंट नो। ये मेरा अजम्पशन है, मेरा गेस वर्ड है कि यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग आएगा 5 मार्क का। थर्ड टॉपिक जो होगा वो होगा एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर, दोनों में से कोई एक, एडवर्टाइजमेंट
या फिर पोस्टर मेकिंग, दोनों में से कोई एक होगा। जो फोर्थ टॉपिक होगा वो ईमेल, वो पहले से भी कंफर्म रहता है। फोर्थ टॉपिक होगा वो होगा आपका ईमेल। मैं अगेन कहूंगा आपको ये जो हाईलाइटेड है पैराग्राफ है, यहाँ पे कुछ और आपको मिल सकता है, बाकी का आई डोंट थिंक कुछ बदलाव आएंगे। ये तीन क्वेश्चन वैसे के वैसे ही रहे। आखिरी क्वेश्चन में रिपोर्ट राइटिंग 5 मार्क का, जॉब एप्लीकेशन 7 मार्क का, और ऐसे या फिर स्पीच, उन दोनों में से कोई एक आपको अटेंड करना होगा जो 8 मार्क का होगा। इस तरह से आपका अपडेटेड सिलेबस का पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से बन के आए। सेक्शन ए बी में कोई चेंजेस नहीं। सेक्शन सी में पंचुएट द पैराग्राफ को हमने देखा कि 1 मार्क ईडीएम में बढ़ा दी गई, 1 मार्क डूएस डायरेक्टिव में बढ़ा दी गई, वहां पे बैलेंस आ गए। सेक्शन डी में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हटा दिया गया था, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक सिवाय जो थर्ड सेकंड क्वेश्चन है जहां पे मैंने पैराग्राफ राइटिंग रखा है, उसके अलावा कोई और बदलाव होने की पॉसिबिलिटी नहीं नजर आती। बाकी 95 मार्क्स का पेपर एज इट इज आपको मिलेगा, ठीक है ना। आपको बेटर आइडिया आ गया, इसीलिए मैंने अपडेटेड सिलेबस का एक सैंपल पेपर भी आप लोगों के लिए बना दिया है, ये आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, टेक्सुअल पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी टेक्सुअल पैसेज के हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया 3 मार्क्स ईच वाले 4 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी में मैंने आपको जिस तरह बताया, देखिए कौन का हिस्सा है जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 ये 3 फिगर ऑफ स्पीच। ओके गाइस, आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि सर इसका पीडीएफ हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा, ये वीडियो देखने के बाद आप सबको इसका पीडीएफ भी जरूर मिल जाएगा। सो डोंट वरी, यू विल गेट द पीडीएफ। उसके बाद 2 मार्कर 3 क्वेश्चन पोएट्री के, 3 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन सप्लीमेंट्री के। आता है सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन। सेक्शन सी में जैसे मैंने आपको बताया, पहले आएगा आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 4 मार्क का, उसके बाद ईडीएम्स आएगा 4 मार्क का, रिपोर्टेड स्पीच आएगा 4 मार्क का, और डूएस डायरेक्टेड आएगा 8। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा 20 मार्क का सेक्शन भी तैयार होगा। हमने ये पेपर उसी तरीके से ड्रॉ किया है, उसी तरह से ड्राफ्ट किया है जो चेंजेस बोर्ड ने सजेस्ट किए। तो इस पेपर को आप एक आइडियल पेपर के तौर पर भी देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने जैसे आप देख सकते हैं कि पंचायत का पैसे हटा दिया गया तो हमने उसको रिमूव कर दिया है। डूएस डायरेक्टेड में भी आप सारे टॉपिक देखिए, पहला टॉपिक डिग्री का है, देन वॉइस है, इंट्रोगेटिव है, रिमूव टू है, नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग है, असर्टिव और एक्सक्लेमेटिव। ये वही टॉपिक है जो रिटेन हुए, जो टॉपिक हटा दिए गए थे वो थे सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, हमने उनको यहाँ पे जगह नहीं। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन डी जैसे मैंने कहा, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का। डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, तो मैंने अपनी तरफ से एक पाई चार्ट रखा है। जो क्वेश्चन आप सबको मैंने कहा पहले भी, ये क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं, 5 मार्क का मेरे हिसाब से पैराग्राफ राइटिंग होना चाहिए, लेकिन बोर्ड क्या रखने वाला है आई डोंट नो। 95 मार्क्स के पेपर की तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 5 मार्क का पेपर, यहाँ पे कुछ और टॉपिक आया मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, बट बोर्ड कैन ब्रिंग एनी अदर टॉपिक। आई थिंक पैराग्राफ राइटिंग कुड बी ए टॉपिक दैट यू मे चूज। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग और पोस्टर मेकिंग। तो हमने एक एडवर्टाइजमेंट रखा है कि कंपनी को मार्केटिंग मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, उसका एडवर्टाइजमेंट बनाया जाए, या फिर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट कोरोना पेंडेमिक, सोशल डिस्टेंसिंग का पोस्टर बनाया जाए। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 52 ईमेल राइटिंग है। फॉर्मल ईमेल हमने रखा है, याद रखिए फॉर्मल इनफॉर्मल कोई भी हो सकता है, लेकिन हमने फॉर्मल ईमेल रखा है। हमने टॉपिक कुछ इस तरह से रखा है कि आपने कोई नया सेलफोन खरीदा है जो डिफेक्टिव है, तो आपको मैन्युफैक्चरर को मेल लिखना है कि मुझे रिप्लेसमेंट दिया। सेक्शन ई, सेक्शन ई में रिपोर्ट राइटिंग है, स्कूल न्यूज़ लेटर के लिए रिपोर्ट है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, न्यूज़पेपर एज वेल एज स्कूल न्यूज़ लेटर दोनों में से किसी का भी रिपोर्ट आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 उसमें हमने जॉब एप्लीकेशन रखा है, एंड क्वेश्चन नंबर 55 वहाँ पे दो तरह टॉपिक रखे हैं। एक है स्कूल ने फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और आपको स्पीच देने के लिए चुना गया था, तो वो स्पीच लिखिए, या फिर 3 टॉपिक्स मिले होंगे उनमें से कोई एक टॉपिक का आपको ऐसे लिखना है
पहला टॉपिक है हमारा कोरोना पेंडेमिक एंड इट्स इफेक्ट ऑन आवर लाइफ। याद रखें बोर्ड एग्जाम में आपको पॉइंट्स प्रोवाइडेड होंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बोर्ड में ऐसे पूछ लिया और पॉइंट्स प्रोवाइड नहीं हुए, डेफिनेटली पॉइंट्स प्रोवाइड होंगे। दूसरा ऐसे हमने रखा है जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, तीसरा हमने रखा है करप्शन इन इंडिया। तो तीन टॉपिक्स मैंने चुने। अब मैं नहीं कह सकता कि यही टॉपिक आएंगे, ये तो एक सैंपल पेपर ताकि आपको जनरल आइडिया आ जाए कि बोर्ड का पेपर कैसा। और यहाँ पे हमारा पेपर हो जाता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में जितने भी सवाल थे रिगार्डिंग पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, क्या बदलाव होगा, कहाँ क्या बदलेगा, सब इसमें आंसर हो गए होंगे, सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आपको याद रहे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सेक्शन के इंटरनल चेंजेस हो सकते हैं, अदरवाइज सेक्शन के मार्क्स घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा कि कोई भी सेक्शन 18 मार्क का हो जाए, कोई सेक्शन 22 मार्क, सारे सेक्शन 20 मार्क के ही रहेंगे। बस जो बदलाव आएगा वो ये क्योंकि टॉपिक अंदर से हटे हैं तो उनकी वेटेज या तो किसी दूसरे टॉपिक पे ट्रांसफॉर्म कर दी जाएगी या तो कोई दूसरा अरेंजमेंट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंचुएट द पैसेज को हमने दो अलग अलग क्वेश्चन पे एडजस्ट किया, एक मार्क का एडीएम बढ़ा दिया, एक मार्क का डुअर्स डायरेक्टेड बढ़ा दिया। उसी तरह से यहाँ पे दो टॉपिक हटा दिए गए तो उनकी जगह पर हमने एक डेटा इंटरप्रिटेशन, एक नया टॉपिक जो मुझे लग रहा है वो पैराग्राफ राइटिंग आएगा। आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट, बट ये पेपर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द बोर्ड लाइंस रहेगा। आई होप कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर कंटिन्यूड पैट्रोनेज एंड सपोर्ट। हमारे पिछले वीडियो को बहुत मैसिव रिस्पॉन्स मिला, ऑलमोस्ट 500 व्यूज ऑन द वेरी फर्स्ट डे। ये सब आपके प्यार की वजह से है बेटा। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहे और भी यूजफुल कॉन्टेंट लेकर हम आपके लिए हमेशा आते रहे। हमारा एक ही मकसद है स्टूडेंट्स का भला। इस कोरोना पेंडेमिक के चलते बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये लेक्चर देखने के बाद इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। वन मोर थिंग, ये पेपर पैटर्न दोनों में एप्लीकेबल है, कॉमर्स एज वेल एज साइंस। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कंटिन्यू योर सपोर्ट।